तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फ्री फायर के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपको फुल कंपैरिजन करके दूंगा कि फ्री फायर या पबजी दोनों में से कौन सा अच्छा गेम है। तो भाई देखिए यहाँ पर गन वन तो है भाई एकदम, पर थोड़ा सा इस पर घर वर ना मुरचा सुरचा लगा है। तो मैं बोलूँगा, बोलना चाहूँगा फ्री फायर वालों को कि थोड़ा सा कर लें भाई। ये देखो ऊपर से मतलब 4 कदम से मैं कूदा तो ये बंदे की प्राण निकल गए, आउ करता है। तो भाई यहाँ पर देखो चल कैसे रहा है, तो ये बंदा सामने पहला गया और ये हम इसी को मार ही रहे थे तब तक ये डायनासोर भाई है, इनको खुजली हो रही थी। कपड़े तो बंदे के अच्छे हैं एकदम डायनासोर ऐसे। तो देखते हैं भाई साहब एक गन हमको दे के गए हैं। तो बंदा एक खुजली कर रहा है, सामने से गोली चला रहा है। चलिए उसको देखते हैं क्या मतलब क्या है वो। तो फिलहाल तो हम चलिए उसकी पेटी लूट लेते हैं जिसको मारे थे। तो भाई इसके पास कुछ नहीं, नूबड़े के पास, इसके पास तो सिर्फ VSS निकली। और आई हेट स्नाइपर्स इन फ्री फायर। तो भैया भाई साहब देखो एकदम ये क्या, एकदम मुंह पे देखो एकदम लग रहा खून पी के आ रहा है भाई, एकदम जहरीला बंदा। तो भाई तो देखते हैं एकदम बुया होगा या फिर नहीं होगा। तो भाई साहब ये गेम मेरे लिए बिल्कुल नया था, पहली बार मैं इसे खेल रहा था। तो देखते हैं होएगा कि नहीं होएगा। तो भाई साहब जोश आ गया, लो भाई साहब एक नॉकआउट हो गया। चलिए इनको हम हेल्प करने चलते हैं। मेरे को पता आप पूछोगे कार, लेकिन कार मुझे पसंद नहीं फ्री फायर की ये वाली। मेरे को सिर्फ एक ही कार फ्री फायर में पसंद है, वो लग्जरी वाली। तो भाई साहब देखो कहते एकदम बंदा क्या मस्त चल रहा है कूद कूद के, इसके लग रहा बप्पा जी ने, ये बप्पा ही की जगह है, एकदम मस्ती से चल रहा है। तो भाई साहब देखो या एकदम जा रहे हैं, तो ये भाई साहब ऊपर बैठे टट्टी कर रहे थे तो इनको हमने अच्छे से करवा दिया, ये नॉकआउट हो गए हैं। तो गनवा को हम रिलोड को मार लेते हैं। तो ये भाई साहब कतई फिनिश हो गए हैं, सोच रहे होंगे यार यहाँ हम काहे आए टट्टी करने, इससे अच्छा घर के अंदर ही चले जाते, वहाँ बाथरूम तो बना ही होगा। तो भैया ये पछता तो बहुत रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये मरते नहीं तो हमारा किल कैसे बढ़ता। तो भाई हम किल विल बढ़ा के मेडिकिट उठा के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाह, यहाँ पे दो दो तरफ से जीना, और हम कंफ्यूज हो गए कि हम कौन से जीना से ऊपर जाएं। तो हम कहे इसी से चलते हैं लेफ्ट साइड वाले से। तो भाई साहब यहाँ पे एक मतलब इनके बैग देखो एकदम लग रहा है स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं बस्ता टांग के। तो ये देखो भाई एकदम कूदने पे ठप से कूदता लगता है, धोबी घाट पे धोबी कपड़े धो रहा है। तो भैया हमको तो यार पसंद है तो पबजी ही पसंद था, का क्योंकि क्योंकि वजह है भाई ये जो उसकी ग्राफिक्स है ये फुल है, और पबजी में तो भाई एकदम लो कर दो तब भी इससे अच्छी ग्राफिक्स होती हैं। तो मैं ग्राफिक्स में पास करता हूँ पबजी को। तो भाई साहब अब देखते हैं काहे में ये पास होता है, किसी एक चीज में पास होता है या वो भी नहीं। तो अगर आपको देखना है कि कौन जीतेगा तो भाई साहब वीडियो को पूरी देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिए लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। हम ऐसी ही वीडियो बनाएंगे और बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री फायर का गेम प्ले निकाल कर दें आपको, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्री फायर का गेम प्ले निकालूं, तो उसके लिए भी आप चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को करिए ऑल पे प्रेस। तो भाई साहब ये देखो ये बंदे के बड़े खुजली हो रही थी, तो ये भाई साहब गए खुजली इनकी निकाल ही देंगे। तो भाई साहब हो चुके हैं नॉकआउट और ये पूरे फिनिश, इनका डिब्बा गोल, कनको मारो रिलोड। तो भाई साहब देखो अभी ये इनके भाई साहब आए गुस्सा के, चुन्नू मुन्नू हमरे तुम भाई को मारे, तो हम कहे का कर लेगा बे तुमको भी मार देंगे। तो चुन्नू को भी हम मार देते हैं, चुन्नू भी गए।
तेल लगाने। तो भाई साहब हमको मिला ये तलवारी, तलवारी है बहुत प्यारी। तो भाई साहब ये मेडकिट भी उठाते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ बहुत सारा ई काबे, इसकी पेटी में तो टायर है। वाह भाई बंदे अपने बैग में इतना बड़ा सा टायर भर के लाते हैं, एकदम बेवकूफ़ बंदे हैं। तो भाई साहब देखो एकदम हम उछल फांदी करते हुए जा रहे थे, यहाँ पे एक गन पड़ी हुई है, हमको बहुत मज़ा आ रहा था उछल फांदी करने में। तो हम बस कूदे कूदे और कूदते ही जा रहे थे, तभी हमको एक भाई साहब दिखे यहाँ पर भाग के जा रहे हैं, लग रहा पिकनिक मनाने आए। ई काबे इनका तो लग गया हेड, ये भाई साहब गए लुढ़क। हमको पता चला कि ये थॉमसन गन इसमें सबसे बढ़िया होती है। तो भाई साहब हमको यहाँ पर ई का सफ़ेद सफ़ेद ग्रेनेड मिला और हमको अभी पता चला है कि ग्रेनेड नहीं ग्लू वाल है, ये लगा लो बंदा को चपका दो, बंदा चपक जाता होगा ग्लू वाल से दीवार में। अरे नहीं भाई साहब हमको अभी पता चला है इसको सामने लगा लो तो बंदा तुमको गोली चलाएगा तो तुम्हारे गोली नहीं लगेगा। वाह भाई पबजी में आई थी ऐसी आइस वॉल, पर भाई किसी को पसंद नहीं आई। तो मैं इसमें भी फ्री फायर को खेल सकता हूँ। ये भाई साहब यहाँ पे टट्टी कर रहे थे, ये दूसरे बंदे आए ये भी गए, एकदम मतलब क्या बताएं भाई, ये बंदे हैं कि एकदम लुल। तो भाई साहब को अब सामान लूट लेते हैं, वो भाई साहब वहाँ पर रेंग रेंग के जा रहे थे तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था ये रेंगा रेंगा ही काहे कर रहे हैं। हमने कहा बे तुम जिंदा काहे हो तो मर जाओ। तो भाई साहब को एकदम देखो मार के इनकी क्रेट लूटेंगे क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं लूटे लुटाने में। तो भाई ये भी कटाना लिए हैं, अभी हमको पता चला है कि ये जो तलवारी होती है इसका नाम कटाना है। तो भाई साहब कतई एकदम प्रो वाली स्टेटस में हम भाग रहे थे, हमको देखो एकदम ई काबे यहाँ पे तो रस्सी लटकी हुई है। अरे वाह ये बंदा उड़ गया, हम भी उड़ेंगे हम भी उड़ेंगे। अरे भाई साहब जरा सोचो तुम उड़ते जा रहे हो, सामने बंदा एडब्ल्यूम ले खड़ा हो फटाक से हेडशॉट मारे, तुम तो कतई नॉकआउट होके वहाँ तक रेंगते जाओगे उड़ते हुए। तो भाई साहब अगर यहाँ पर हम कैंसिल कर दे तो नीचे गिरेंगे, चार कदम से कूदने पे उह हुआ था तो यहाँ से कूदने में तो आह कर देगा भाई साहब। तो ये भाई साहब देखो अरे भाई पीछे एकदम क्या कुल्हाड़ी, वो भी इतनी बड़ी लाद के जा रहे हैं। वाह भाई चलो मैं एक चीज़ में फ्री फायर को पास कर देता हूँ, वरना फ्री फायर के लवर्स हैं जो गुस्सा हो जाएंगे ना भाई, तो वो चीज़ है कार्स। तो भाई यहाँ पर इन लोगों ने कार जो हैं वो ओपी ओपी बनाई हैं, वो भी बिना किसी स्किन के ही ओपी दिखाई देती हैं। बस एक टैंकर नहीं पसंद है, भाई साहब यहाँ पर टट्टी करने आ रहे थे तो ये एकदम लुढ़क गए। तो भाई साहब एकदम इनको मारे हम मारे एकदम ये लुढ़क गए, लो खपड़ी इनकी टूट गई। तो भाई साहब इनके फूटी हुई खोपड़ी लेके एकदम हम देखना, इनका दोस्त भी लग रहा आएगा ज़रूर। तो भाई साहब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सोचे थोड़ा जोन वोन में चले जाते हैं, तो जोन में जाने में बहुत मज़ा आएगा, वहाँ बंदे होंगे तो बंदों को मारेंगे। तो भाई साहब हमारे 9 किल हो चुके थे तो कोई कहेगा नहीं ये मेरा पहला गेम प्ले है। तो ये भाई साहब यहाँ जा रहे थे तो बड़ी मस्ती से जा रहे थे तो इनको लुढ़का देते हैं, चलो भाई साहब सीधे मरी गए। तो भाई साहब को दिए हैं लुढ़का, तो हमें लग रहा है सामने 2 बंदे और हैं। तो भाई साहब एकदम देखो ये इनको मारने की कोशिश तो कर रहे थे, ये एक नॉकआउट भी हो गया भाई, तो देखो क्या होता है। तो ये गोलीबारी कर रहा है तो हमने लगाई घास, घास लगाई और ये बंदों को पेलने की कोशिश की। तो भाई साहब ये उस बंदे ने इनकी एकदम ले ली थी लाइफ, तो हमने गोली चलाया डैमेज दिया, वो बंदा गया पीछे छुप। तो हमने और आईक्यू लगाया, हमने गोली मारा, लेकिन भाई ये क्या भाई नॉकआउट कर दिया है बंदे ने। चलिए कोई बात नहीं हम मांगेंगे हेल्प। तो एक बंदे उनका टपक गए हैं तो बंदा अभी भी माना नहीं, उस पे के सर पे चढ़ा था भूत।
कि भाई तूने मेरे टीममेट को मार। कभी खुशी कभी गम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।